राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के 10 दिन से श्री रामलला के आंगन में सोना और चांदी जड़ा 500 किलो का नगाड़ा गूंजेगा। जी हाँ दोस्तों, श्री रामलला प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में उपहार पहुंचने का सिलसिला जारी है। गुरुवार को 500 किलो का नगाड़ा अयोध्या पहुंचा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने नगाड़ा अयोध्या पहुँचने पर कहा कि भारत की एक कला है। प्रभु श्री रामलला के आंगन में सोना चांदी जड़ा 500 किलो का विशाल नगाड़ा गूंजेगा। इसकी आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई देगी। गुरुवार को गुजरात से विशेष रथ से लाया गया यह नगाड़ा अयोध्या लाकर उसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को सौंप दिया गया। गुजरात विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्र मंत्री अशोक रावल ने पत्र भेजकर नगाड़ा स्वीकार करने की सिफारिश की थी। राय ने आश्वासन दिया नगाड़े को उचित स्थान पर स्थापित किया जाएगा। नगाड़ा लेकर अयोध्या आए चिराग पटेल ने बताया कि इसके ढांचे में लोहे और तांबे की प्लेट का इस्तेमाल किया गया है। इस पर सोने और चांदी की परत चढ़ाई गई है। नगाड़ा इतना बड़ा है कि इसे ऐसे तैयार किया गया है कि बाहर धूप बारिश में भी ये खराब ना हो। इस नगाड़े को बनाने में 3 महीने का वक्त लगा है। अम्बेडकर जगजीवन राम काशी राम के परिजन को भी निमंत्रण दिया गया है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, बाबू जगजीवन राम और काशी राम के परिवार के सदस्यों तथा अनुसूचित जाति के प्रमुख लोगों को रामलला प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। सूत्रों ने बताया कि राम जन्मभूमि आंदोलन के लिए दौरान मारे गए कार सेवकों के परिवार के सदस्यों को भी इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया है। देश भर से किसानों, मजदूरों और हजारों संतों के भी समारोह में शामिल किया गया है। समारोह में आदिवासी समुदाय और खानाबदोश जातियों के प्रमुख लोगों को भी आमंत्रित किया गया है। अब जानते हैं राम मंदिर में अंबानी परिवार ने दान दिया है कितना सोना। 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश के लोगों ने न्योता दिया है। वहीं अब जानते हैं राम मंदिर में अंबानी परिवार ने दान किया है कितना सोना। जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह में देश विदेश के लोगों ने न्योता दिया गया है। वायरल हो रहे पोस्ट में दावा हो रहा है कि रामलला के दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी ने सोने के 3 मुकुट दान किए हैं जो 33 किलो सोने के बने हैं। इस पोस्ट की लोगों के बीच जमकर चर्चा हो रही है। लोग अंबानी परिवार की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या सच में मुकेश अंबानी और उनके परिवार ने राम मंदिर के लिए इतना सोना दान किया है या नहीं? राम मंदिर के लिए अंबानी परिवार के सोने के मुकुट दान करने वाली पोस्ट को लेकर न्यू चेकर नाम की वेबसाइट ने फैक्ट चेक किया है। इसमें वायरल हो रहे दावे का सच सामने आया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे पोस्ट को लेकर न्यूज चेकर टीम ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के एक पदाधिकारी से फोन पर बात हुई है। यही संस्था राम मंदिर बनवा रही है। ट्रस्ट के पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर हो रहे दावे को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि मुकेश अंबानी या उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा प्रस्ताव नहीं मिला है। इस फैक्ट चेक के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि राम मंदिर के लिए सोना दान करने वाले लोगों की सूची में मुकेश अंबानी और अंबानी अब तक शामिल नहीं है। और कौन है राम मंदिर में 30 लाख का चंदा देने वाले एक्टर? इन 5 सेलेब्स ने दिया है लाखों का योगदान। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने वीडियो जारी कर बताया था कि उन्होंने राम मंदिर निर्माण में योगदान दिया है। हालांकि उन्होंने योगदान के बारे में ज्यादा जानकारी साझा नहीं की थी। टीवी पर भगवान राम का किरदार निभाते नजर आ चुके एक्टर गुरमीत चौधरी ने भी डोनेशन देने की बात बताई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक साउथ एक्ट्रेस प्रणीता सुभाष ने राम मंदिर निर्माण में अपने योगदान के रूप में 1 लाख रुपए दिए हैं। मशान और न्यूटन जैसी फिल्में देने वाले प्रोड्यूसर मनीष मुंद्रा ने भी राम मंदिर निर्माण में चंदा देने की बात कही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलुगु फिल्म स्टार जनसेना पार्टी अध्यक्ष पवन कल्याण ने राम मंदिर के लिए 30 लाख रुपए का चंदा दिया है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा
निष्ठा के लिए बॉलीवुड साउथ और टीवी जगत के कई हस्तियों का बुलावा भेजा गया है। इस लिस्ट में रामायण के राम सीता यानी एक्टर अरुण कोविल और एक्ट्रेस दीपिका चिखलिया भी शामिल है। हालांकि लक्ष्मण ने अभिनेता सुनील लहरी को निमंत्रण पत्र नहीं मिला है। शंकराचार्य ने किया राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत, बोले ये तो उल्लास का पल है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर देश के सभी शंकराचार्यों ने अलग रहने के दावे का दो शंकराचार्यों ने खंडन कर दिया है। श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य अनंत श्री विभीषण जगत गुरु भारती तीर्थ और शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात के जगत गुरु शंकराचार्य शामिल हैं। दोनों ने समारोह का स्वागत किया। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, भव्य कार्यक्रम हो रहा है और देश विदेश से साधु संत व अन्य सामान्य लोग आ रहे हैं। इसी बीच खबरें आई कि देश के चारों शंकराचार्यों ने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली है। हालांकि श्रृंगेरी शारदा पीठ और द्वारका शारदा पीठ के शंकराचार्य ने इसका खंडन किया है। साथ ही अन्य उन्होंने इससे हर्षों का उल्लास पल बताते हुए इस समारोह का स्वागत किया। सभी शंकराचार्यों के अलग अलग रहने के दावे का खंडन करते हुए श्रृंगेरी शारदा पीठ के वर्तमान शंकराचार्य अनंत श्री विभूषित जगत गुरु भारती तीर्थ और शंकराचार्य मठ द्वारका शारदा पीठ गुजरात के जगत गुरु शंकराचार्य ने राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा समारोह का स्वागत किया। श्री श्री जगत गुरु शंकराचार्य दक्षिण नमाय श्री शारदा पीठम श्रृंगेरी जी की तरफ से आस्तिक जन के लिए एक मुख्य सूचना है। शंकराचार्य ने कहा कि ये समय हर्ष का है। शंकराचार्य मठ द्वारा शारदा पीठ गुजरात ने जगत गुरु शंकराचार्य ने बताया कि राम जन्मभूमि प्राप्त करने के लिए रामलला ट्रस्ट एवं राम जन्मभूमि पुनरुद्धार समिति के माध्यम से शंकराचार्य ने अनेक प्रयास किए थे। लगभग 500 वर्ष का विवाद समाप्त हुआ है। यह सनातन धर्मावलंबियों के लिए प्रसन्नता का अवसर है। हम चाहते हैं कि अयोध्या में होने जा रहे परमात्मा श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सभी कार्यक्रम वेद शास्त्र अनुसार धर्म शास्त्रों के मर्यादा का पालन करते हुए विधिवत सम्पन्न हो। पूरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्लानंद सरस्वती ने कहा कि उन्हें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए न्योता मिला है, लेकिन इसमें उन्होंने केवल एक आदमी के साथ आने के लिए कहा गया है। सीता को बहन मानते हैं शंकराचार्य। यदि 100 आदमी के साथ भी आने का न्योता होता तो भी वह इस समारोह में नहीं आते। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि वह भगवती सीता को पहले अपनी बड़ी बहन मानते थे, लेकिन वह खुद छोटी बहन बनना पसंद करती हैं, तो उनके इस रिश्ते को कोई तोड़ नहीं सकता, न ऐसे में उन्हें अयोध्या से कोई परहेज ही नहीं हो सकता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो दिल करे तो आप कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।